हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये नोटिस हमारे पास 9 फरवरी 2023 को आया है और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जो एडमिशन्स प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम सब कुछ पढ़ेंगे कि कब कब उसके एडमिशन प्रोसेस है, कब कब उसके इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स जो हैं वो है हमारे पास ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये है 9 फरवरी टू 12 मार्च। तो 9 फरवरी टू 12 मार्च अप टू 9 PM, 9 PM तक रहेगा, 12 मार्च का पूरा दिन नहीं है, 9 PM तक है ओनली। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजिशन ऑफ फी, जो फी का ट्रांजिशन करने के जो सक्सेसफुल ट्रांजिशन के लिए जो फीस है वो 12 मार्च 2023 11:50 तक कर सकते हो। यानी कि आप 9 o'clock या 9 बजे तक तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और 11:50 तक फीस सबमिट कर सकते हो। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, यानी कहीं अगर आपको मिस्टेक्स आती है, कहीं प्रॉब्लम्स आती है, तो करेक्शंस के लिए विंडो खुलेगी, जो विंडो खुलेगी 15 मार्च से 18 मार्च तक करेक्शन विंडो खुलेगी। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी एग्जामिनेशन, उसके बाद जो कहाँ पर आपका सिटी एग्जाम का सेंटर आएगा उसका अनाउंसमेंट जो होगा वो 30 अप्रैल 2023 को होगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड ऑफ द NTA वेबसाइट, जो NTA की वेबसाइट पर से जहाँ से हमें एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे वो होंगे हमारे पास सेकेंड वीक ऑफ मई, मई के सेकेंड वीक में होंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 21 मई को स्टार्ट होंगे, यानी 21 मई से एग्जाम्स स्टार्ट होंगे और एग्जाम्स जो है वो एक ही दिन में नहीं होंगी, एग्जाम ऑनवर्ड यानी कि उसके बाद भी जितने दिन तक एग्जाम चलेंगे वो होंगे। जैसे कि किसी सब्जेक्ट के एक दिन हो गया, उससे अगली सब्जेक्ट का अगले दिन हो गया, इस तरह से। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स एंड आंसर की, तो ये हमारे पास इसके बाद जब एग्जाम आ जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास, सॉरी एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास एक डेट आएगी जो कि अनाउंस की जाएगी कि इस दिन हमारे पास रेस्पॉन्स रिकॉर्डेड आएगा आपका एंड आंसर की। और ये हमारे पास वेबसाइट है www.ntac.in और helpline.cuetsummers.ac.in। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, तो रिजल्ट जो है वो भी इसकी डेट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। ये हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे अगर देखें तो फॉर CUET 2023 द फॉलोइंग इज द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट टेस्ट और क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट दिए हुए हैं। जैसे कि सब्जेक्ट टेस्ट सेक्शन ए जो है वो लैंग्वेजेस का है और सेक्शन बी जो है वो लैंग्वेजेस का है, और देर आर 30 डिफरेंट लैंग्वेज, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज मे बी चूजन। यहाँ 13 लैंग्वेज होंगे जिनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज की जा सकती है। सेक्शन बी में देर आर 20 लैंग्वेज, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज मे बी चूजन, इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज की जा सकती है। 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट, 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएंगे ऑफ ईच लैंग्वेज। उसके बाद सेक्शन बी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, यानी जिसमें किस डोमेन में आप टेस्ट दे रहे हो, देर आर 27 डोमेन्स होंगे जहाँ पे आपको एग्जाम्स देना है। अ कैंडिडेट मे चूज एनी सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाई द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी और ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आप अपना डोमेन चूज कर सकते हो। और वहाँ पे 35 और 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ, यानी 35 और 40, यानी कि हमारे पास 35 या 40 क्वेश्चन, अगर 45 क्वेश्चन है तो 35 अटेम्प्ट करने हैं एंड 50 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। एंड सेक्शन 3 जो है वो है हमारे पास जनरल टेस्ट फॉर एनी सच ग्रेजुएशन प्रोग्राम, प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट भी बीइंग यूज फॉर एडमिशन। तो 50 क्वेश्चन में से 60 में से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसके लिए। नोट फ्रॉम द अबव सब्जेक्ट लैंग्वेज द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 10 सब्जेक्ट, जो लैंग्वेज में मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चूज कर सकता है फ्रॉम ऑल द सेक्शन एज गिवन अनेक्सर वन, जो हमारे पास वन में दी गई उनमें से आगे सब्जेक्ट दिए हुए उनमें लैंग्वेज में उनमें से चूज कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, और लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश हिंदी, असामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू इनमें से। और सेक्शन बी में जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज है वो है
अरबिक, बोडो, चाइनीज, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज, कश्मीरी, कोंकानी, मैथिली, मैनपुरी, नेपाली, पेरिसियन, रशियन, संथाली, सिंधी, स्पेनिश, ताइवान, संस्कृत। इसके बाद फिर सेकंड हमारे पास एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन थ्री शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एग्जाम जो है वो कैंडिडेट कंडक्ट किया जाएगा। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है, कैंडिडेट में अप्लाई CUET 2020 अप्लाई ऑनलाइन। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी बताएंगे किस तरह से हमारे पास ऑनलाइन उसको हम अप्लाई करें फॉर्म को। उसके बाद ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड एज अ कैंडिडेट, यानी कोई एक कैंडिडेट होगा जो एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द इंफॉर्मेशन बुलेटिन। जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिसके लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उन सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर जो है वो करेक्ट हो, और जो सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे पेरेंट्स गार्डियंस या सारी इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो करेक्ट होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, किन किन डोमेन्स में हमारे पास पेपर होंगे वो है हमारे पास यहाँ पे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपी, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इकोनॉमिक या पढ़ सकते हो, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस, नॉलेज, ट्रेडिशनल, ये सारी लैंग्वेजेस हैं। और सेक्शन 3 जो होगा हमारे पास बेसिकली जनरल टेस्ट का होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास बुलेटिन आया था, तो इस बुलेटिन में आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट डोमेन है जहाँ पे आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। फ्रेंड्स, गुड लक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से CUET का फॉर्म फिल किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।